स्टार विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। लोक निर्माण संस्थान की अध्यक्ष एडवोकेट मंजीत कौर मातानी द्वारा आज गौरीघाट रोड स्थान में आंख एवं दांत का निशुल्क सिविल आयोजित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य हमारे समुदाय के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोक निर्माण विभाग मंत्री, मध्य प्रदेश शासन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, कैंट विधायक अशोक रूहानी, महापौर नगर निगम जबलपुर जगत बहादुर अन्नू, पूर्व नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल, जबलपुर एसपी, जबलपुर कलेक्टर उपस्थित रहे। साथ इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में डो अबोली पासे डायरेक्टर अनंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेत्र रोग विशेषज्ञ मीनाक्षी दत्त जी, ग्वारीघाट पार्षद शारदा कुशवाहा, समाजसेवी अभिषेक विश्वकर्मा, गौरीघाट थाना प्रभारी उपस्थित रहे और साथ ही मंजीत कौर, अमरजीत कौर, संजय चौधरी, रक्का, जर्नेल सिंह, यश, बिना दीदी, दीपमाला, राजवीर, यश, विकास पांडे, वसु मराबी, रिया, स्नेहा, शिखा के साथ अन्य साथी भी उपस्थित रहे। शिविर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जबलपुर वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं अमरजीत कौर, पीपल पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष, एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मेंबर। आज मंजीत कौर मतानी, जो कि मेरी बेटी भी हैं और इनने महाराष्ट्र में बहुत सारे काम किए हैं और कब से, मतलब काफ़ी समय से ये समाज के लिए बहुत कार्य करती आई हैं। इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है, वो मैं बता नहीं पाऊँगी क्योंकि समय थोड़ा कम है। और यहाँ पे ये जो नेत्र शिविर रखा है, ये बहुत अच्छा काम है। ये गरीब जो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, जो कि सोचते हैं कि डेली हम काम करें कि डॉक्टर के पास जाएं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो आके यहाँ चेकअप कराएं। और काफ़ी संख्या में लोग आ भी गए हैं और आएंगे भी। और मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि अमोली पान से मैडम है अनंत हॉस्पिटल की, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज वो आके हमारा सहयोग में इस काम में सहयोग दिया है। और केयर पब्लिक स्कूल की जो मैडम मीनाक्षी मैडम है, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उनने अपने स्कूल में ये कार्य करने के लिए हमें परमिशन दी। और भूपेंद्र सिंह जी और जग्गू भैया जिनने आज हम लोगों ने नेत्र जांच शिविर रखा गया और इसके लिए जांच जो है वो निःशुल्क है एवं दवाइयाँ हम सबको वितरित कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी निःशुल्क है। हमारा संपूर्ण कार्य इसलिए किया गया है ताकि हम जन सेवा कर सकें और समाज में सुधार ला सकें। और इसके लिए मैं हमारे के स्कूल की जो प्रिंसिपल है मीनाक्षी मैम, उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो हमारी डॉक्टर है अमोल पान से मैम, उनका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस छोटे से कार्य को सराहेंगे और ऐसे उदाहरण और शहर में आने चाहिए जिससे हमारा देश पनप पाए, जिससे हमारी संस्कार धानी उज्ज्वल हो पाए। लगभग कितनी जनसंख्या में आज लोगों ने शिविर का इस लुत्फ उठाया, कितने लोग आए होंगे? अभी शुरुआत हुई है, जहाँ तक उम्मीद है कि 500 से अधिक लोग यहाँ पर आने की संभावना है। और मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। और हम बहुत कम समय में हमने ये कार्य किया है, तो जितना मैसेज लोगों तक गया होगा उतना ये ज़रूर जनता यहाँ पर आएगी। आपका नाम? हमारी जो दवाइयाँ हैं वो अभिषेक जी ने दी हैं जो कि मेरे समक्ष ही हैं, और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी ने जो सहयोग किया है, मेरा केवल मेरा संस्था का नाम है, मगर जो सहयोग है आप सभी ने किया है। और अगर आप सभी नहीं होते तो ये कार्य सफल नहीं हो पाता। और मैं चाहूँगी कि जो फल मुझे मिल रहा है उससे अधिक फल इन सभी को मिलना चाहिए जिन्होंने ये कार्य सफल बनाया। आपका नाम? जीत कौर मतानी है।